स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीश सर। एक बार पुनः उपस्थित हम आपके बीच में एक नई श्रृंखला जो आपकी आने वाली परीक्षा UPSC की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 है जिसकी तैयारी को लेकर के हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, उसी श्रृंखला में इससे पूर्व हमने आपको अपने प्रैक्टिस सेट 22 के अंतर्गत 15 प्रश्न दिए थे, डिटेल वीडियो प्रोवाइड किए थे और उसके रिस्ट पार्ट के साथ हम पुनः उपस्थित हैं जिसकी डिटेल जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिससे आप लाभान्वित हों और आने वाली परीक्षा में आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न से। उससे पूर्व हम आपको एक बार और बता दें कि विज्ञापन को लेकर के जो भ्रामक स्थिति है उससे आपको किंचित परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञापन अवश्यम भावी है। हाँ, ऐसा न हो जाए कि विज्ञापन के इंतज़ार में आपकी तरह तैयारी प्रभावित होती रहे और जब विज्ञापन पब्लिश्ड हो, परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाए और तब आपको लगे कि यार मैंने तो बहुत बड़ा मौका खो दिया, हमने अपना समय गंवा दिया। तो कृपया करके आप इस तरह की कोई भी जोखिम न उठाएं। यह विज्ञापन 4 वर्षों के बाद इसका आगमन हो रहा है, लिहाजा यह आपका कर्तव्य है कि इसको पूरी तरह से इस अवसर को स्वर्णिम अवसर में तब्दील कर लें। दोस्तों अपनी क्षमता से आप वाकिफ हैं। एक बात जान लें कि सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है, इसलिए सिंहासन पाने नहीं सिंह बनने का प्रयास करें। आप जहाँ पर बैठें वही स्थान सिंहासन खुद ब खुद बन जाए। तो शुरुआत करेंगे 16वें प्रश्न से और आज के पहले प्रश्न से कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध त्रिपिटक जिसकी भाषा पाली थी में अभिधम्म पिटक में किसका उल्लेख मिलता है। यहाँ जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथों में से एक मानी जाती हैं, जिनमें विनय पिटक, शूत पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों आते हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, जबकि शूत पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक ज्ञान दिए गए हैं। तो इस तरह से 16 का सी दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह आपका जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो खरीफ की फसल जो काटी जाती है उसका जो समय है वह अक्टूबर लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग होती है खरीफ के फसल को काटने की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह कह रहा है नवंबर के प्रारंभ में, यानी कि आपका 17 का सी सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की तरफ और 18वां प्रश्न जो है वह है कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। अब यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में एक्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट और हैकर। यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह होगा इंट्रानेट। इंटरनेट एंड इंट्रानेट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कोलेबरेशन टूल्स, ऑपरेशनल सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यूजली टू एक्सक्लूजन टू एक्सेस बाय आउटसाइडर्स। तो इंटरनेट के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब बढ़ेंगे हम 19वें प्रश्न की तरफ और 19वां जो प्रश्न है आपका वह कह रहा है कि किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। CDMA यानी कि
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सी इज़ द राइट आंसर। एंड सी डी एम ए इज अ चैनल एक्सेस मेथड यूज्ड बाय वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। सी डी एम ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एक्सेस वेयर सेवरल ट्रांसमीटर्स कैन सेंड इन्फॉर्मेशन थ्रू सिंगल कम्युनिकेशनल चैनल। तो सी डी एम ए इसका जो एब्रिविएशन हुआ यहाँ पे वह हुआ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि 19 का सी। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ, और 20वां प्रश्न है सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची होते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शंस की सूची, दोस्तों जो यहाँ चार ऑप्शन हैं उसमें इसका जो सही जवाब होगा वह है टूल बार। टूल बार में यह दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। एक्चुअली द टूल बार कंटेंस बटन्स, कमांड एंड ऑप्शंस बटन फॉर यूज्ड फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। तो टूल बार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड द नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21, और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। स्पेशली इसमें पूछ रहा है पृथ्वी को एक देशांतर, एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो जैसा कि आप जानते हैं पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है, जिसमें 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और उनको अगर हम 24 आवर्स से डिवाइड करते हैं, देयर आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड अराउंड द होल प्लानेट। इफ़ यू डिवाइड 24 आवर्स बाय 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड यू विल गेट 4 मिनट्स पर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी 21 का सी सही जवाब हुआ। दोस्तों एक जानकारी और भी है कि जो लैटिट्यूड होते हैं उनकी संख्या होती है 180, जो 0 डिग्री यानी इक्वेटर से 90 डिग्री ऊपर और 0 से 90 डिग्री नीचे साउथ में 90 इनकी संख्या होती है, वो लैटिट्यूड उनको बोलते हैं और इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनकी जो लगभग दूरी होती है एक डिग्री लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर होती है। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और जो अगला प्रश्न है वह आपका संबंधित है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन से, जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। दोस्तों भारतीय संविधान जिस जो कि विश्व का एक बृहद संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें जिसकी जिसके निर्माण में कई देशों का सहयोग सम्मिलित है, और उस श्रृंखला में भारत ने मौलिक कर्तव्यों को भी अपनाया है। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से और रशिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और इसमें कहा गया है कि यह किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। तो ये जो तीन और ऑप्शन आप देख रहे हो, बलवंत राय मेहता समिति, एलिम समिति और अशोक मेहता समिति, ये तीनों पंचायती राज से संबंधित हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित समिति है वह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह है आपका लॉरेंज वक्र का प्रयोग इनमें से किसको मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों लॉरेंज वक्र का प्रयोग
यहाँ पर दिया गया है और इसका जो चार ऑप्शन है उसमें आप पाएंगे कि जो चौथा का 23वें का जो डी ऑप्शन है गरीबी, वह सही है क्योंकि लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी डेवलप्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मार्क्स लॉरेंज इन 1905। मार्क्स लॉरेंज जो हैं इसके प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था 1905 में, और इससे हम पावर्टी को मेजर करते हैं, गरीबी को मेजर करते हैं। तो 23 का डी आपका सही जवाब हुआ। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही होगी। आप अभी तक अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके के पोर्शन को भी अच्छी खासी तैयारी आप कर चुके होंगे, आपने महारत हासिल कर ली होगी, आपने अपने जीवन के जो मुकाम निश्चित किए हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, उसके लिए आप दिन रात एक किए होंगे। बावजूद उसके इस तैयारी में आपके इस जो 6 इकाइयों के पाठ्यक्रम जो विभाजित किए गए हैं, पाठ्यक्रम जो निर्धारित किए गए हैं आयोग के द्वारा, उसमें किंचित कहीं कोई परेशानी आती है तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे पोर्टल से जुड़ने के लिए, हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी न्यूनतम राशि चुकानी है, जिसके एवज में आपको 40 से 50 प्रैक्टिस सेट आपके आयोग की परीक्षा के अनुकूल प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके एग्जाम्पल्स आप यूट्यूब के जो हमारे वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। और हम आपको बता दें, इससे पूर्व जो प्राचार्य की परीक्षा संपादित हुई थी उसमें भी हमारे द्वारा बताए गए बहुत सारे प्रश्न आए थे जो जीके के पोर्शन से संबंधित थे, और यहाँ पर भी आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा जिससे कि आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उस जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तंबाकू टोबैको के प्रोडक्शन में भारत का जो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह प्रारंभ से ही लीडिंग रोल प्ले करता है। और अभी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार आंध्र प्रदेश जो है 45% टोबैको प्रोडक्शन करता है पूरे भारत का। 45% यानी 45% टोबैको प्रोड्यूस किया जाता है आंध्रा के द्वारा। तो 24 का बी सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दोस्तों संबंधित है पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेबस एंड बिलोंग्स टू यूनिट 6। और प्रश्न क्या है वह आप देख लो। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार, तो इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कई तरह की होती है दोस्तों, आर्थिक घनत्व होता है, अंगणितीय घनत्व होता है, कृषि घनत्व होता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कायिक घनत्व होता है, बहुत सारे डेंसिटीज होती हैं। लेकिन यहाँ पर आंकिक घनत्व यानी कि जो आपका सबसे आसान जो घनत्व पता करने का जो तरीका है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल एरिया उसके हिसाब से पूछ रहा है, तो उस हिसाब से जो यहाँ पर ऑप्शन बी है वह सही जवाब है। क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार का करीब करीब 1106, उसके बाद आता है जो स्थान वह आता है बंगाल का, उसके बाद केरला, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि 25 का बी सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, इससे पूर्व भी आयोग में रिवॉल्यूशन से क्वेश्चंस आते रहे हैं, पीत क्रांति संबंधित प्रश्न आया था। तो क्रांति जो है सदैव किसी डायनेमिक चेंज की ओर इंगित करता है। उससे संबंधित सबसे पहली कृषि क्रांति भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा क्रियान्वित की गई थी।
हरित क्रांति, उसके बाद बहुत सारी क्रांतियाँ हुईं जिसमें श्वेत क्रांति, दूध से संबंधित पीत क्रांति, आपके तिलहन से संबंधित, उसी क्रम में यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवोल्यूशन, तो हम आपको बता दें जो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो यह झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, पिंक क्रांति को हम प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित मानते हैं। यहाँ पर झींगा उत्पादन दिया है यानी कि 26 का बी सही जवाब हुआ। अब अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है 27वां प्रश्न कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है। ऐसा होता है कि अचानक जैसे कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकुर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए उसे कार्यकाल के दौरान, तो उपराष्ट्रपति को पदभार दिया जाता है, लेकिन वह पदभार वह कितने दिनों तक उस अवस्था में संभाल सकता है, तो वह तब तक संभालता है जब तक कि नए संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। लेकिन वह इसको इस व्यवस्था को करने की जो अवधि निर्धारित करी गई है भारतीय संविधान में, वह अधिक से अधिक छः माह तक वह व्यवस्था करी गई है। जो तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह होगा 27 का सी। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका है कि जंगली गधे की आश्रय स्थली किस मानवीय क्रिया से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है जिससे इस प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है। तो हम आपको बता दें कि भारत के एकमात्र स्थल पर जहां पर ये जंगली गधे मिलते हैं वह है आपका कच्छ का रण, और कच्छ के रण में जंगली गधे मिलते हैं, और जंगली गधों की जो जाति प्रभावित हो रही है वह नमक के उत्पादन से प्रभावित हो रही है। दोस्तों इन्हें स्थानीय भाषा में जंगली गधे को घूघर के रूप में भी जाना जाता है। तो नमक उत्पादन इनके जीवन के लिए, इनके अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। यद्यपि इनकी जो संख्या है वह थोड़ी सी वर्तमान में बढ़ी है सरकार के द्वारा ध्यान देने के बाद, तो नमक उत्पादन इसका सही जवाब हुआ। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली पत्रिका केसरी एवं मराठा का संपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों केसरी और मराठा का जो संपादन था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। केसरी जो मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और हम आपको बता दें कि इसी समाचार पत्र में तिलक जी ने देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से एक लेख लिख दिया जिससे ब्रिटिश सरकार की नीतियों का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत वर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उसका भी सदुपयोग उन्होंने किया था। और कारावास के दौरान एक जीके आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कारावास के दौरान तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज तथा गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना करी थी। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज और गीता रहस्य, ये दो पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। और इनके फेमस स्लोगन को आप कैसे भूल सकते हैं जो उन्होंने दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज इज माई बर्थ राइट यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूँगा। तो 29 का सी सही जवाब हुआ। दोस्तों बढ़ते बढ़ते हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, और यह अंतिम प्रश्न से पूर्व जैसा कि मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ करके, हमारे ग्रुप से जुड़ करके अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, तो एक बार आपका पुनः स्वागत है। साथ ही साथ हम आपसे आशा करते हैं
कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पॉजिटिव कमेंट से हमें अवगत कराएं। जो अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक 2018-2028 का विषय क्या था, क्या है? दोस्तों, इंटरनेशनल डिकेड से भी प्रश्न आते रहे हैं आयोग में। और हम आपको एक बात और बता दें कि जितने भी प्रश्नों का मैं चयन करता हूं, वे सारे प्रश्न जो हैं वह आयोग के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। और आपकी अनंतिम सफलता के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हीं जगहों पर प्रहार किया जाए जहाँ से पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें ऑप्शन बी सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दशक यानी कि वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह जो था इसका यह थीम था। क्योंकि वाटर, जैसा कि आप जानते हैं, डिक्लेयर्ड किया गया है ह्यूमन राइट्स के रूप में, और वाटर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको इंटरनेशनल डिकेड्स के रूप में घोषित किया। इसी के साथ यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। पुनः आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।